अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आखिर मुस्लिम समाज और इनकी इबादतगाहों को लेकर भाजपा फिरका परस्तों को सड़क तोसी का काम तब याद आता है जब चुनाव नजदीक आते हैं, और अब तो कोई भी कुछ भी फैसला लिया जाता है जबकि मामला अदालत में जेर समात रहता है। ऐसी ही वारदात आज हुबली में पेश आई। मशहूर भैरी देवर कप में सड़क किनारे दरगाह है। हजरत महमूद पाशा कादरी की यह दरगाह काफी मशहूर भी है, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम बड़े अकीदत के साथ यहाँ पर आते हैं। वाज़ह रहे कि कोई पहला मामला नहीं है कि इस तरह सड़क के दरमियान में मस्जिद, मंदिर या दरगाह चर्च आए हों, लेकिन अक्सर इंतजामिया भी इसे बचाने की कोशिश करती रहती है। भारत में कई औलियाओं का कयाम है, इससे पहले कभी इस तरह की तस्वीर को देखने नहीं मिला, लेकिन जब से भाजपा हुकूमत आई है किसी न किसी बहाने एक समाज को हिरासा करने के काम को बखूबी अंजाम दे रही है। किसी भी मजहब की इबादत गाह के जज्बात उस माशरे से जुड़े हुए थे। कहा यह भी जाता है कि अचानक सुबह 4 बजे बुलडोजर के साथ पुलिस मौके पर यहां पर पहुंचा और कार्रवाई को अंजाम दी गई। इसे सिर्फ अदालती कार्रवाई कहकर तस्लीम करने से पहले जज्बात की भी कदर होनी चाहिए, ऐसा आवाम का कहना है। कुछ हिंदुओं ने भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि सड़क तोसी का मसला जब उनकल क्रॉस के मंदिर को लेकर उठा तो वहां के आवाम ने इसकी पुरजोर मुखालफत की, जिसके बाद सड़क को थोड़ा मोड़ भी दिया गया था, जबकि दरगाह के सामने जगह काफी होने की बात कही जा रही है। आखिर इतनी जल्दबाजी कर सुबह सवेरे कार्रवाई की क्या जरूरत थी, ऐसा सवाल किया जा रहा है। दरगाह के खादिम ने आवाम से मुखातिब होते हुए कहा कि अदालत का फैसला दरगाह कमेटी की मुखालफत में आया है, अब तो दरगाह को ही दूसरी तरफ मुंतकिल करने का हुक्म इंतजामिया की जानिब से लिया गया, ऐसा कहा जा रहा है। खैर, इन तमाम मामलों पर नजर डालने से मालूम होता है कि कार्रवाई चुनावी मुफाद हासिल करने के लिए तो नहीं। रियासत कर्नाटक के चुनाव श्रीरंगपट्टन की मस्जिद को भी बड़े मुनज्जम अंदाज में निशाना बना जा रहा है। मुसलमानों के घरों को निशाना बनाते हुए भगवे परचम लगाने की भी कोशिश मुस्तकिल इन फिरका परस्तों की जानिब से की जा रही है। कुछ ही दिनों के फासले पर एहतजाज किए जा रहे हैं शाही मस्जिद के सामने। इस तरह के एहतजाज भगवादारियों की जानिब से किए जाने की वारदातें पेश आ रही हैं, तो इस बात पर यह है कि इंतजामिया हरकत में नहीं आ रही, ये भी उतनी सच्चाई है। महज पुलिस थाने में बुलाकर समझाने पर बजरंग दल की जानिब से पुलिस महकमा के खिलाफ ही एहतजाज किया गया। जाहिर है अब महकमा भी मोहतात अंदाज में नजर आ रहा है, क्योंकि फिरका परस्तों के पीछे हुकूमतों की पुश्त पनाही है। सबसे अहम पहलू यह है कि मुस्लिम समाज डर खौफ के साए में, न तो मुसलमानों के दीनी रहनुमा कुछ बोलना चाहते हैं और ना ही सियासी लीडरों की जुबान उठ रही है। एक पहलू यह भी है कि माइनॉरिटी कमीशन का भी अहम रोल होता है, लेकिन माइनॉरिटी कमीशन भी कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। अगर चाहे तो मुसलमानों पर हो रही तमाम जातियों को लेकर अकलियती कमीशन के जरिए इंतजामिया को ही कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, लेकिन किसी को कुछ परवाह हो तो करेंगे। लिहाजा आज हुबली मामला भी इसी डर खौफ के साए में होने का माशरे का रद्द अमल देखा गया। UAPA के तहत मुस्लिम नौजवानों का 1 साल के करीब अरसा गुजर गया, जेलों में आज भी बंद है। हुबली के बड़े लीडरान भी खामोश है, वो कुछ कर नहीं पा रहे। कुल मिलाकर देखा जाए तो मजलूम कौम अपनी खामोशी के जरिए बेबसी बयान कर रही है, और इन तमाम में अकलियती कमीशन का जो किरदार होना चाहिए था कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। फिर चाहे कहीं की भी वारदात देख लो आप, गदक की हो या तो फिर बेंगलोर ईदगाह का मामला हो या फिर हुबली ईदगाह या फिर दरगाहों मस्जिदों पर चल रहे बुलडोजर, मिल्लत की खामोशी इस बात की दलील है कि इस मिल्लत ने ज़हनी तौर पर गुलामी कबूल कर लिया और यह हार चुके हैं। कानूनी लड़ाई तो महज एक रस्म बन चुकी है। संविधान के दायरे में रहते हुए हक मांगना हमने बहुत पहले छोड़ दिया है, और एक एहसास कमतरी में एक कौम मुब्तला नजर आ रही है। जरूरत है ज़हनी पस्ती से उभर कर आवाज को बुलंद करना होगा, कानून के दायरे में रहते हुए आखिरी दर्जे में आवाज को बुलंद करना होगा, और कानून के दायरे में रहते हुए आखिरी दर्जे में इतना तो जरूर कर सकते, लेकिन जिस कौम को बेहिसी और दुनियादारी ने निगल लिया हो वो क्या आवाज उठा पाएगी, ये भी उतना ही सच है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़े ही अफसोस के साथ मैं आपके दरमियान में हाजिर हो रहा हूँ। आज बादे असर से वह ये बात गश्त करी है कि हजरत महबूब शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ मोहम्मद शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह बहरी देवर कप का बारगाह का मामला जो कोर्ट में चल रहा था वो फैसला हमारे अगेंस्ट आने की वजह से फिलवक्त जो है वो दरगाह शरीफ को
डिमोलिश करने के लिए हुकूमत की तरफ से डीसी की तरफ से ये काम चला हुआ है। ऐसे हालात में शहर हुबली में अंजुमन इस्लाम एक महबूब इदारा है, उसका इलेक्शन होने जा रहा है, कल उसकी नॉमिनेशन की आखिरी तारीख भी है। इधर अंजुमन इस्लाम का मसला अपनी जगह, मगर हमारे इस इलाके के मशहूर मारूफ वली हज़रत सैदना महमूद शाह खादिर अलमारूफ सैदना मोहम्मद शाह खादिर रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह को रास्ते में आने की वजह से उसे ज़मीन बोझ करने की हुकूमत ने बात ठाल ली है। मैं शहर हुबली के अवामुलनास से ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अंजुमन इस्लाम के इलेक्शन में कोई भी नॉमिनेशन ना, पहले हमें अपनी दरगाहों की हिफाजत, मसाजिद की हिफाजत करना है और उसे और आगे डबल बेंच कोर्ट में है, कोर्ट में अपील भी करना है। इसलिए मैं अवामुन्नास से गुजारिश करता हूँ शहर अंजुमन इस्लाम हुबली की जो इलेक्शन है उसमें आप कोई भी नॉमिनेशन ना भरें, अगर कोई भरे हैं तो भी वो अपने नॉमिनेशन को विथड्रॉ करें, पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप दुआ फरमाएं अल्लाह ताला की बारगाह में अपने हबीब के सदके गौस व ख्वाजा के सदके वसीले से इस दरगाह की हम लोग हिफाजत करें। और रहा मामला ये कि कहीं भी किसी की बात को अफवाह सुनकर कोई भी हलचल ना करें, कोई भी अगर मामला होता है तो अंजुमन इस्लाम के सदर व अराकीन होंगे शहर में, मुतल्लियाने अराकीन जमात होंगी, उनसे आप राबता कायम करें, उसके बाद कोई पहल करें, किसी अफवाहों के ऊपर जाकर आप कहीं ना फंस ना जाएं। और रही बात अंजुमन इस्लाम इलेक्शन के ताल्लुक से, मैं अभी थोड़ी देर पहले सदर अंजुमन इस्लाम जनाब अलहाज मोहम्मद यूसुफ सोनूर साहब, अलहाज अल्ताफ नवाज के तूर साहब अल्ताफ हल्लूर साहब, हमारे साबिक वजीर जनाब अलहाज जनाब बाबा जान हिंडसगिरी साहब, अब्दुल वहाब मुल्ला साहब, मज़र खान साहब और दीगर कई अहबाबों को मैं मेरे अपने खानखा बुलाकर बात किया हूँ और ये तमाम लोग राज़ी हैं कि पहले हमें दरगाह की हिफाजत करना है और उसके बाद इलेक्शन की बात होगी। कोई भी ये जितने ग्रुप इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने वाले थे वो और अब नॉमिनेशन नहीं बनेंगे जब तक दरगाह का मसला हल नहीं होगा। बहरहाल ये हमें इत्तेफाक और इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। हमारे दरमियान में अभी फिलहाल कई उलमा मुबल्लिगीन हजरात हमारे दरमियान में बैठे हुए हैं, इसी काम को हम लोग असर की नमाज के बाद से मगरिब के बाद से अब तक बैठे हुए हैं। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप सब्र का दामन अपने हाथ से जाने ना दें। मैं तमाम मशाइखीन किराम, सादात किराम, उलमाए एहतराम, मुतली अराकीन जमात, मोहल्लों के नौजवान बच्चों से गुजारिश करता हूँ कि आप सब्र का दामन हासिल ना छोड़ें और अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर हम आप तमाम लोग दुआ करेंगे कि हमारे इस वली की बारगाह की हिफाजत हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और ये चुनाव ने बंदा अभिवृद्धि कार्यदल्लू और शून्य और वोट बैंक हेच्चुकु वोट्स पोलराइज आगंद्रे इंत इश्यूस बे अदे आ बरी दुर्कप दर्गा तगली होटदार इू सेटी क्रम केवल वह मुसलमान मेले दब्बाके अंत नानती इवतु धार्मिक स्थल याद देवस्थान इतना तो याद धर्म के सीरद धार्मिक स्थल इतने लक्षातर जन भक्त अदान नेनपनको आदू उल्सो प्रयत्न आगो अदी उणकल क्रॉसन हिंदे ईश्वर देवस्थान बे प्रॉब्लम बंदा ना होराटी अदन उलि अदक इन रस्ते एरू रस्ते नदे अब बरवामी अद्वन उल्सार इोड़े इडी रोडन अत्यंत वैडिवं रोड आ बरी दौर कप मुंत फुल वैडिवं रोड अद्कन आवश्यकता है तेबंत सेडीन क्रम अदर रो रोड अलीपटे नोड़े गोता अदर मुद्दे भाला अगल रोड अदान तगीवंतुद्ध याके खंडित सेडीन क्रम तम धर्म धर्म नदे वैषम्य तु तम वोट बैंक हंत प्रयत्न एचरक अवे ब आ भगवंत अल जीसस बुद्धि को मनुष्यत्व ऐन कलसली हेच्चेगोद भावने धक्के बंत केस ऐनता है यदे समाज इबूद
ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಚರ್ಚ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮಸ್ಜಿದ್ಗಳು, ದರ್ಗಾಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ, ಒಂದು ಸಮಾಜ ಆ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬಾರ್ದಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಆಗ್ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತೇನು ನಮಗೆ ಈ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಬಿ ಆರ್ ಟಿ ಎಸ್ ರಸ್ತೆ ಇದೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಧಾರವಾಡದವರೆಗೂ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ವೈಡ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಅಗಲ ಇರೋ ರಸ್ತೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಧಾರವಾಡವರೆಗೂ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 45 ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ವೈಡ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಲದವ್ರದ್ದು ಶೋರೂಮ್ಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಉಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ನನಗಂತೂ ಇದು ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ಶಾಸಕರ ಶೋರೂಮ್ ಉಳಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ಇದನ್ನು ವೈಡ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂತ ಇದ್ದಾರೆ.